स्टूडेंट आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले। और वैसे टॉपिक हम बढ़ चुके हैं लेकिन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है इफ रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ Li+2 आयन नोट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Helium+ आयन देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इस प्रॉब्लम को देखने पर हमें एक तो आइडिया हो ही गया Li+2 का जो भी ट्रांजिशन हो रहा है वहां से एक फोटोन निकला और वो जो फोटोन है वो हम किसके ऊपर गिरा रहे हैं Helium+ पे। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, जब वो उधर फोटोन गिरेगा उस इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकालेगा। और अगर वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो अगर लिथियम से जो फोटोन आ रहा है Li+2 वाले से उसकी अगर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट ऑफ Helium+ की एनर्जी से अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। और अगर वो एनर्जी उससे कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो फोटोन निकल रहा है क्या वो सफिशियंट एनर्जी का है कि Helium+ की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। और अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुआ वो बाहर जो निकल गया इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रहेगी और वो काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन की स्कीम ये है। तो सबसे पहला पॉइंट है हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, वही सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज है ना। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो यहां पे क्या होगा, सेकेंड लाइन ऑफ बामर, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज जो है वो हमारे पास क्या आएगा बताओ, ये आएगा 4 से 2, ठीक है। सेकेंड लाइन यही होगा 4 से 2, फर्स्ट लाइन 3 से 2 और सेकेंड लाइन होगा 4 से 2। तो हम यहां पे निकाल लेते हैं Li+2 के लिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा ई। तो ये डेल्टा ई जो है ये क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो इमिट हो रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन। और यहां पे जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 13.6 इंटू Z² 1/(N₁²) - 1/(N₂²). और ये यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। अब वैल्यू पुट कर दो, वही 13.6 इंटू 3² 1/(, अच्छा 4 से 2 है तो N₂ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और हो जाएगी 4 हो जाएगी और यहां पे ये 2 हो जाएगी। तो यहां पे 2² -1/4². अब इसको सॉल्व करें तो मेरे पास जो वही एनर्जी ऑफ जो फोटोन होगा डेल्टा ई वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13.6 इंटू 9 और यहां पे आएगा 1/(4 - 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास ये आएगा 13.6 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अब मैं इसको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंप्लीफाई किया इसको तो मेरे पास आ जाएगा ये 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटोन निकला इसमें से उसकी जो एनर्जी है 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये किस पे गिरेगा, ये गिरेगा Helium+ पे, ठीक है ना। अच्छा Helium+ में इलेक्ट्रॉन कहां है यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन इन Hg+ इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, N जो है वो कितना है 2, क्लियर है। अब वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, देख लेते हैं N=2 की एनर्जी निकाल लेते हैं सबसे पहले तो, है ना। तो हमें अगर ये इसकी एनर्जी पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं उतनी एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो हम यहां देख लेते हैं एनर्जी ऑफ Hg+ और इसका क्या ले लिया N=2, ये आएगा मेरे पास 13.6 माइनस का इंटू यहां पे आएगा क्या Z²/(N²) वैल्यू पुट की -13.6 2² / ये भी आ जाएगा 2² -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास हीलियम के सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। अब ये फोटोन अगर इसके ऊपर गिरेगा ऑब्वियसली बात है इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी। तो प्लस पे हमें क्या करना पड़ेगा, फोटोन को गिराना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या लिखा Hg+, ठीक है। अब इस पे मैंने फोटोन गिराया, ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी हमें पता है कितनी है 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब हुआ क्या, यहां पे ये इधर आएगा और हमारे पास Hg क्या बनेगा +2 और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे कैसे मूव करेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी से मूव करना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहां से यहां जाने के लिए इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो मेरे पास क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये जो He प्लस है वो किसके अंदर है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इसकी जो एनर्जी होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ी। अब हमें पता है एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन जो था वो किसमें चली जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन जाएगी एक तो 13.6 यहां पे इसको निकालने में प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर, और ये मेरे को पता है एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ आ जाएगा 22.95 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये अपने पास आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करते कितना आएगा बताओ 9.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन 9.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखे हैं अपने को, इन ए कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मतलब एक नहीं बहुत सारे एटम्स दे रखे हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम एन इक्वल टू 5 टू ग्राउंड स्टेट। तो एन इक्वल टू 5 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। फाइनली विदाउट इमिटिंग एनी लाइन इन बामर सीरीज, मतलब कहीं से भी वो 2 में कोई नहीं आ रहा, कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कौन कौन से ट्रांजिशन एलो नहीं है 5 से। अगर मैं इसके सॉल्यूशन को देखूं तो यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा, बामर सीरीज अगर अलाउ नहीं है तो ये 5 से 2 नहीं आ सकता, ठीक है ना, या 5 से या 4 से 2 नहीं आ सकता और 3 से 2 नहीं आ सकता, ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमें पूछेंगे पॉसिबल लाइंस कितनी मिलेगी, ठीक है। तो अब हम यहां पे देख लेते हैं, तो कई बार क्या करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या चेक करते हैं, 5 से 1 में आ रहा है तो टोटल मैक्सिमम लाइंस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा मैक्सिमम लाइन वाला फॉर्मूला, वही N2 - N1 फिर इनटू N2 - N1+1 / 2, इससे टोटल लाइंस आ रही है 10। तो 10 में से 3 ये लाइन 3 लाइंस ये अलाउड नहीं है, तो 3 लाइंस ये अलाउ नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब ये 3 लाइंस अलाउ नहीं है तो 10 में से 3 माइनस कर दो पीछे बच गए 7, तो आंसर क्या आएगा 7। लेकिन ये गलत आंसर है। अब क्यों गलत है वो बताता हूं, क्योंकि जब कोई भी कहीं से 2 में आएगा ही नहीं तो ये 2 से 1 वाला जो ट्रांजिशन है ये भी तो पॉसिबल नहीं होगा, ये भी तो ऐसा होगा कि पॉसिबल नहीं होगा, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों वो मैं बता देता हूं, देखो कैसे। मान लो मैं यहां पे एनर्जी लेवल डायग्राम बना देता हूं यहां पे, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ये मैंने 5 एनर्जी लेवल बनाया, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। क्या ये यहां से यहां पॉसिबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। क्या यहां से यहां पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं। तो फिर जब कोई 2 में आ ही नहीं रहा है, कोई सेकंड ऑर्बिट में कोई आ ही नहीं रहा है, तो 2 से 1 वाला तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिशन यहां पे अलाउ नहीं होंगे, तो कौन कौन से अलाउ होंगे, एक ये हो सकता है, ठीक है ना, फिर यहां से ये हो सकता है, यहां से ये हो सकता है, यहां से ये वाला भी हो सकता है, यहां से ये भी हो सकता है, यहां से ये भी हो सकता है, लेकिन 2 से 1 वाला नहीं होगा। तो ये अलाउ होगा, ये भी अलाउ होगा, ये भी करेक्ट होगा, ये भी होगा, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बताओ आंसर कितने आ गए यहां पे, यहां पे आंसर आ गया अपने पास 6 लाइंस मिलेंगे, 6 डिफरेंट रेडिएशन या 6 डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स इमिट होंगे। नंबर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं फोटॉन्स के, बट वैरायटी ऑफ फोटॉन्स विद डिफरेंट एनर्जी जो होंगे वो 6 होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, When electrons undergo transition from higher energy state to ground state of helium plus ions, 6 different photons are observed in emission spectra. तो जो emission spectrum जो मिल रहे थे हमारे पास, उसमें different energy के केवल और केवल कितने मिल रहे, 6 photons मिल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, 6 different lines मिल रही हैं, ठीक है ना।
देन कैलकुलेट मिनिमम वेवलेंथ ड्यूरिंग ट्रांजिशन. तो लैम्ब्डा निकालना है जब ट्रांजिशन में जो लैम्ब्डा इमिट हो रही है वो मिनिमम हो. मिनिमम मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाला होना चाहिए. तो सबसे पहले ये तो बताए कहां से कहां जा रहा है. अच्छा हमें यहाँ पे सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन वन गिवन है वो है वन, ग्राउंड स्टेट गिवन है, बट एन टू जो है वो हमें नहीं पता. तो एन टू कैसे कैलकुलेट करें, तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स जो है, लाइन्स का जो फॉर्मूला जो था वो क्या था, एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइड बाय टू था. और लाइन्स कितनी मिल रही है, सिक्स लाइन्स है ना. तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा सिक्स लाइन मिल रही है, तो एन टू जो हमारे पास जो आ रहा है वो एन टू कितना आ रहा है, अगर हम यहां वैल्यू पुट करें तो एन टू माइनस वन, एन टू माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाय टू इक्वल टू सिक्स. तो हमारे पास जो एन टू आएगा वो एन टू इक्वल टू कितना आ रहा है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से कहां आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ये हमें पता चल गया. तो बताओ यहां पे मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कब होगा, मैक्सिमम एनर्जी कब होगा अपने पास, जब N2 जो होगा ट्रांजिशन जो होगा वो क्या होगा, 4 से 1 में होगा, सही है ना. और ये जब होगा तो यहाँ पे ये इस ट्रांजिशन में जो हमारे पास लैम्ब्डा होगा तो ये क्या होगा, मिनिमम लैम्ब्डा होगा, सही है. अब बस हमें रेडबर्ग फॉर्मूला यूज करना है. रेडबर्ग फॉर्मूला क्या था, न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्ब्डा फिर आर एच, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट हो गया. अब एच ई प्लस के लिए बात करें अगर हम, तो रेडबर्ग फॉर्म, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट जो है वो इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर. तो यहां पे 1 बाय लैम्ब्डा इक्वल टू आर एच और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर. तो ये आएगा 1 माइनस 1 बाय 16, तो 15 बाय 16 आ जाएगा. तो यहां पे क्या आएगा बताओ, आर एच इंटू यहां पे 4 और यहां आएगा क्या 15 बाय 16. इसको सॉल्व किया तो ये 4 टाइम्स गया. तो अब हमारे पास देखो लैम्ब्डा कितना आएगा बताओ, 4 अपॉन 15 आर एच, ये हमारे पास लैम्ब्डा आ गया, ठीक है. समझ में आया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखोगे क्योंकि हमें क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है तो 6 डिफरेंट फोटोन मिल रहे हैं, मतलब 6 लाइंस मिल रही हैं. तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्योंकि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कहां से आ रहे हैं वो हमने यहां से निकाल दिया. तो कहां से आ रहे हैं, फोर्थ एनर्जी ऑर्बिट से आ रहा है, मतलब फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा है. और फोर्थ ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन आएगा ग्राउंड स्टेट में तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां इमिट करेगा, 4 से 1 में, जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी, तो लैम्ब्डा मिनिमम क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम लैम्ब्डा, तो हमने यहाँ पे रेडबर्ग फॉर्मूले में से लैम्ब्डा कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा आंसर है, ठीक है. अब एक और क्वेश्चन देखिए, गिवन क्या दे रखा है अपने को, आर एन प्लस वन माइनस आर एन माइनस वन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ आर एन, जहां पे आर एन माइनस वन, आर एन प्लस वन जो है वो क्या दे रखा है, बोर रेडियस है हाइड्रोजन एटम के लिए, कौन से ऑर्बिट के लिए, तो वो जो है ये आर एन है जो एंथ ऑर्बिट के लिए, एन माइनस वन ऑर्बिट के लिए और एन प्लस वन ऑर्बिट के लिए है ना. तो कैलकुलेट करना है एन की वैल्यू, कुछ नहीं आर का फॉर्मूला सबको पता है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन को देखूं तो आर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ हमारे पास, यहां पे अगर हम इसको ए नॉट कॉन्स्टेंट लेते हैं 0.529 को, तो ये आएगा एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी फॉर हाइड्रोजन एटम, सिंपल है. अब देखो हमने क्या कर दिया, यहां पे ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है. तो यहां पे इस इक्वेशन को ले लेते हैं, तो यहां पे ए नॉट आर एन प्लस वन जो है माइनस आर एन माइनस वन इक्वल टू टू आर एन का जो फॉर्मूला है वो यूज कर रहे हैं. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए नॉट एन प्लस वन स्क्वायर माइनस ए नॉट एन माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू टू टाइम्स ए नॉट और एन स्क्वायर. तो ये ए नॉट, ये ए नॉट कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन फिर माइनस एन स्क्वायर और माइनस टू एन आएगा तो ये प्लस टू एन और माइनस वन इक्वल टू टू एन स्क्वायर. तो यहां पे देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई,
ठीक है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो गए, तो ये 4n इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब ये n और ये n की पावर कैंसिल हो गई और ये यहां से 2 टाइम चला गया, तो ये हमारे पास n कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेकेंड बोर ऑर्बिट की बात करें हम, है ना, तो सेकेंड बोर ऑर्बिट की जो रेडियस है उसका, मतलब सेकेंड बोर ऑर्बिट की रेडियस का 2 टाइम्स हमारे पास क्या होगा, R3 माइनस R1 के इक्वल होगा। ये हमें बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन, और इसलिए अपने पास इंटीजर में जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, 2 आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है, ठीक है।